ये अच्छा नहीं है। सही कहा, ये सारे छोटे शहर एक जैसे लगते हैं। मुझे नए एडवेंचर्स चाहिए। बाहर की दुनिया इतनी बड़ी है और मैं उसे मिस कर रही हूँ। क्या असली और बड़ी प्रॉब्लम्स तो यही मौजूद है, जैसे कि ये नया और शानदार ओमनीट्रिक्स। कम ऑन, ये अभी तो ऑफलाइन हुआ है, मुश्किल से एक हफ्ता पहले। 5 दिन ग्वेन, 5 लंबे बिना पावर वाले दिन, लगता है जैसे कल ही की बात है। मैंने दुनिया को एक बड़े साइबर रॉक से बचाया था, अपने 4 एलियन हाथों से उसके हमले को पलट दिया था। मुझे नहीं लगता सब कुछ ऐसा हुआ था। लगभग वैसे ही। खैर छोड़ो, आजकल ग्रैंडपा का ध्यान अजीब तरह से भटका हुआ है। हाँ हाँ, भटका हुआ तो है बिल्कुल। सच कह रही हूँ, तुम्हें नहीं लगता आजकल हमें ज्यादा ही आजादी मिल रही है? शायद सही कह रही हो। मजे से वीडियो गेम्स खेलो बच्चों। उस कार्टून मैराथन के मजे लो। हे क्यों ना तुम दोनों एक ब्रेक लेकर उस कॉमिक्स की दुकान में जाओ। हाँ कॉमिक्स कॉमिक्स कॉमिक्स। ये बात थोड़ी अजीब है। हाँ अगर मुझे वीडियो गेम्स खेलने को मिलेंगे तो मुझे और क्या चाहिए? ओह तुम लोग यहाँ हो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाँ सरप्राइज। तुम्हें मेरा यार फिल याद है? क्या हाल है डेनिलिंग्स? फिल। शायद इसके अलावा कोई और भी सरप्राइज हो। तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैं वो बड़ा सरप्राइज हूँ? ओह नो, इस पर नजर डालो बच्चों। फिल पूरे समर इस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मैं पिछले कुछ हफ्तों से इसे फिनिशिंग टचेस देने में लगा था। सरप्राइज। हाँ सरप्राइज। रुको, क्या उसने रस बकेट को खा लिया? बेन तुमने सोचा भी कैसे मैं फिल के चॉपर को उसे खाने दूंगा? वो अच्छी तरह से कसा हुआ है और उड़ने को भी तैयार है। कई महीनों की रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद अब ये तैयार है, और मेरी फेवरेट फैमिली से बेहतर कौन होगा इसे टेस्ट करने के लिए। धमाकेदार है ना, एक उड़ता हुआ रस्ट बकेट। मैं इसे रस्ट कॉप्टर नाम देने का सोच रहा हूँ। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, इसके साथ हम आराम से यूरोप जा सकते हैं। हम फ्रांस में लूप देख सकते हैं, असली यूरोपियन खाना खा सकते हैं। मुझे कब से इसी का तो इंतजार था। ग्वेन धक्का मुक्की मत करो। ये क्या हो रहा है? बेन तुम ठीक तो हो? ठीक से भी बेहतर हूँ। फोर आर्म्स एक्सेलरेट। हे ये खिलौना नहीं है। ये हीरो टाइम नहीं है, ये कॉप्टर टाइम है। लेकिन नए एलियंस। वो तो तुम बाद में भी देख सकते हो, कॉप्टर पहले। एलियंस कॉप्टर एलियंस। ओके क्यों ना इसका फैसला हम रॉक पेपर सीजर्स के साथ करें। ठीक है, 1 2 3 बुक पेपर ऊपर नीचे रॉक, कॉप्टर जीता। नहीं। चलो उड़े उड़े। कब 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 आएंगे वो लोग? कितने घंटे बीत गए, क्या कर रहे हो तुम? फिक्र करो स्माइट, तुम्हें भी मौका मिलेगा। वो जल्द ही आ जाएंगे और तब हम देखेंगे तुम कितने तैयार हो। मेरी काबिलियत पर शक? मैं तब से काबिल हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। और अब तक उसका नतीजा क्या रहा है? मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। ठीक है, देखते हैं ये क्या कर सकता है। टेस्ट फ्लाइट शुरू हो रही है, चलते हैं। इस बार तो तुमने कमाल ही कर दिया फिल, ये बहुत अच्छे से संभालती है। जरा सोचो अब हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बढ़िया, इसे हम समंदर पार कर सकते हैं। बस करो, हम यूरोप जा सकते हैं। नजारों के बारे में सोचो, बस करो, ये मजेदार है। मैं अभी से अपना ट्रैवल प्लान बनाना शुरू करती हूँ। पता नहीं इसमें क्या बड़ी बात है, ग्वेन को पता भी नहीं चलेगा अगर मैं। ओ क्या क्या ये एक डायनासोर है? ये कैट वाला आदमी कौन है? इसे पहले देखा है। ओह ये वाला काफी अच्छा है। ओके हम ये तगड़ा वाला चुनेंगे। ओह लगता है यहाँ हवा थोड़ी तेज है। बच्चों तुम ठीक हो? कौन है असली हीरो? तुम नहीं हो, क्योंकि तुम तो एलियन हो, पर कौन से वाले? बहुत बढ़िया। अच्छा है ना? बेन, तुम्हें अंदाजा नहीं है एलियन क्या करता है। ये कॉप्टर बर्बाद कर सकता था। लेकिन हुआ तो नहीं।
अब इसे टेस्ट रन के लिए बाहर ले जाना होगा। काफी दमदार लग रहा है। शायद फोर आर्म से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसका नाम होना चाहिए बिग बॉय ब्रोनो। ओके, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना सोचा था। तुमने तोड़ दिया बेन। मौसम खराब है बच्चों, अपनी सीट बेल्ट ध्यान से पहने रहना। सब ठीक है ग्रैंडपा। वो देखो बेन, बेन बच्चा अब जरा देखो मुझे। वाह, तुम्हारा ये डुप्लीकेट तो तुमसे भी स्ट्रॉन्ग है। दो गुना भारी भी, मैंने सोचा ही नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा यहाँ कौन इंचार्ज है, मेरा वाला मैं या तुम? शायद हम दोनों ही हैं। क्या बात है, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं? एक दूसरे के कंधे पर खड़े होकर एक ट्रेंच कोट पहनकर थिएटर में घुस जाए या फिर रहने दो, ये कहीं ज्यादा मजेदार है। ये अपने स्लैप बैक्स को कंट्रोल करो बेन। मैं कंट्रोल में हूँ। अब ये क्या हो रहा है? तुम लोग पीछे सब ठीक हो ना? अरे ये सब कौन है? बेन के नए एलियन से मिलिए। एलियन से? क्या बात है, एक डुप्लीकेटिंग एलियन। अपने स्लैप बैक्स को कंट्रोल करो। मेरा नाम स्लैप बैक नहीं है। मैं क्या जानू, तुम उसे पीछे थप्पड़ मारते हो और डुप्लीकेट्स बन जाते हैं, इसीलिए ये नाम सही है। क्यों नाम इसका फैसला वोट से करें? कौन खिलाफ है? आई। और पसंद किसे है? आई। मुझे पसंद है। मुझे भी। मुझे भी अच्छा लगा है। धोखेबाज, मुझे नहीं हरा सकते। ऊपर खींचने में तकलीफ हो रही है। आप हमारे साथ पूरा समर बिताने को तैयार हो ग्रैंडपा? मजाक कर रही हो, इससे बेहतर आइडिया हो ही नहीं सकता। बस वजन का कुछ करना पड़ेगा। मोनो, मैंने ओवरशूट कर दिया। बच्चों संभल कर। उसे उलझा दो। इस बार मैं सच में टेनिसन को ढूंढना चाहता हूँ और मेरे सामने ये बादल आ गए। क्या किस्मत है। नहीं, ये वक्त कार्बन प्रॉब्लम्स की बात करने का नहीं है। सिर्फ एक ही परिवार है जो ऐसी तड़क भड़क टेक्नोलॉजी का दिखावा करेगी। शिकार मिल गया है जेंटलमैन, कैनन तैयार करो। चलो दोस्तों आगे बढ़ो। मुझे थोड़ी उल्टी वाली टैक्स लगानी चाहिए थी। कम ऑन, तुम्हें पुराने दिनों की याद नहीं आ रही? ओके, तो तुम समझ गए ना, एक एक्सपेरिमेंट वाले एयरशिप पर नए एलियंस के साथ खेलना बुरा आइडिया क्यों है? हाँ, और अगर तुम उन लोगों को वापस अंदर भेज दो तो अच्छा रहेगा। लगता है हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। हाँ, 5 दिन इंतजार कर चुका हूँ, एक और दोपहर से ही। अब जमीन पर पहुँचने तक कोई नया एलियन नहीं आएगा ग्वेन, हमारा वादा है। मेरे सारे टुकड़े समेट कर अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ तुम लोग फिर से स्लैप बैक हो गए। मुझे स्लैप बैक बुलाना बंद करो। मुझे भी ये अच्छा लग रहा है, आराम से बैठकर अपनी बारी का इंतजार करो। मैक्स देखो, क्या वो तोप गोला था? इतने मॉडर्न सीक्रेट एयरशिप पर तोप गोले से हमला कौन करता है? मुझे अच्छी तरह पता ये कौन है। जल्दी और गोले दागो। ओके एलियंस, किसी एक और टेस्ट ड्राइव करनी है? बेन। हाँ, हमने उस बारे में बात की थी ना। ओके, अब सिर्फ ओरिजिनल वाले एलियंस। एयर माइन रिलीज करो, हम उन्हें आसमान में ही उड़ा देंगे। अभी तुम सबकी चटनी बनाता हूँ। फोर्स ब्लिट्स, मतलब अब तुम मेरे कब्जे में हो। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, मेरा आलिशान कोलैबोरेटर। क्या कर रहे हो? बात सुन रहे हो कि नहीं? ये टेनिसन नहीं सुधरेंगे। तुम्हें जरा भी अंदाजा है उसे बनाने में कितना खर्चा हुआ था? ये तो जल्दी निपट गया। ब
तुमने कमाल कर दिया। सही किया ना? देखा ग्वेन, कैननबॉल कितना कमाल का है। पुराने एलियंस अच्छे होते हैं ना। वाओ बेन, काफी अकलमंदी दिखाई तुमने। और हाँ, मानना पड़ेगा ये शिप कमाल की है। ठीक है, तो हम कहाँ चले बच्चों? एक्चुअली इसे कुछ वक्त आराम करने देते हैं, मुझे इसे थोड़ा ट्यून करना है और उन तोप गोलों को भी निकालना है। सही कहा। आज के दिन तुम जीत गए टेनिसंस, लेकिन बहुत जल्द रात होगी, हमेशा के लिए।